नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं राज्यसभा की, जिसमें आज पूरा विपक्ष एक साथ वॉकआउट कर गया और उनका जो गुस्सा था किसी और पे नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पे था, क्योंकि उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन यह बात सबको चुभ गई, क्योंकि खड़गे जी का जो राजनीतिक जीवन है बहुत ही ज़्यादा है, 50 साल से भी ऊपर उनका राजनीतिक जीवन है। ऐसी टिप्पणी सबको नागवार गुजरी, लेकिन बात उस समय फैल गई जब जया बच्चन बोलने को उठी और उनका नाम लेते हुए सभापति ने कहा जया अमिताभ बच्चन, और इस पर रिएक्ट करती हुई जया बच्चन बोल उठी क्योंकि मैं कलाकार हूँ, लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, इसलिए सभापति महोदय मुझे आपका टोन पसंद नहीं आया, और हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम लोग सारे लोग बराबर के लोग हैं। इस पर सभापति महोदय बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो नज़ीर आप लोग पेश कर रहे हैं यह सदन की गरिमा से बाहर है, और बात इतनी बढ़ गई कि सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया और बाद में सोनिया गांधी ने समर्थन दिया, और अब स्थिति यह बन रही है कि सारा विपक्ष सभापति महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोशिश करेगा, जो कल या परसों जब भी दिखेगा, और इसके लिए उन्हें 50 सांसदों की जो दस्तखत चाहिए उसकी भी कोशिश की जा रही है, जो पर्याप्त संख्या में आज विपक्ष के पास है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष, राज्यसभा जहां वरिष्ठ लोग बैठते हैं, ये नज़ारा देखने को मिलेगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब इसका हल कैसे निकलेगा और बीच बचाव कैसे किया जाएगा ये देखने का विषय है, हमारी चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।